हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज अपन बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एटॉमिक थ्योरी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एटॉमिक थ्योरी की अपन बात कर चुके थे, आज अपन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि इन क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्या नीड है इनके क्लासिफिकेशन करने की, तो देखिए क्लासिफिकेशन करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे नए नए एलिमेंट्स जो है डिस्कवर होते गए। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि उनकी स्टडी करना जो है कम टाइम में उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इन सब की स्टडी करना जो है पॉसिबल नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से साइंटिस्टों ने क्या किया कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया ताकि स्टडी जो है हम कम टाइम में इजीली कर सके और उनको याद भी रख सके उन प्रॉपर्टीज को। तो इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बात करें, हिस्ट्री की थोड़ी देखिए 18th सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो गए थे। 1865 के अंदर 63 जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे और नाउडे आज जो है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी उससे पहले जिन जिन साइंटिस्टों ने जो क्लासिफिकेशन के लिए ट्राई किया और उन्होंने कुछ ने काफ़ी हद तक सही भी किया, तो हम कुछ उनकी बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर्स। 1829 के अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करने के लिए। इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट के बेस पे किया। डोबेराइनर ने जितने भी एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे उनके तीन तीन के ग्रुप में उसको डिवाइड किया। एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड किया कि एलिमेंट्स जो है और उनका एटॉमिक वेट के बेस पे इन्होंने जो है इनको तीन तीन के ग्रुप बनाए। अगर फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो तीन एलिमेंट्स इन्होंने रखे थे वो थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका एटॉमिक वेट बात करें तो 7, 23, 39। अब इन्होंने जो ये तीन का ग्रुप बनाया वो किस बेस पे बनाया? एटॉमिक वेट का बेस तो बनाया रखा, लेकिन क्या किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया है? लिथियम ऊपर है, सोडियम मिडल में है और नीचे जो है पोटेशियम है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है और ग्रुप का जो थर्ड मेंबर है, इनका जो एटॉमिक वेट है वो बीच वाले मिडल एलिमेंट के नियरली इक्वल होता है, नियरली इक्वल होगा। देखते हैं, चेक करते हैं, जैसे ये 7 है इसका एटॉमिक वेट, पोटेशियम का 39 है, एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा आपका 46/2=23। तो आप देख सकते हैं 23, यानी कि 23 आया है एवरेज, जो कि इस मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है 23 इसके इक्वल है। तो इस टाइप से उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बना के क्लासिफिकेशन किया। इनको डोबेराइनर के ट्राइड्स बोलते हैं। बाकी के जो दो ग्रुप और थे, इन्होंने तीन ग्रुप बनाए, ऐसे तीन ट्राइड्स बनाए। फर्स्ट ट्राइड ये था, सेकंड देखिए, सेकंड में इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम लिया। इनका एटॉमिक वेट जो था, इनका एटॉमिक वेट था कैल्शियम का 40 है और स्ट्रॉन्शियम का होता है 88 एंड बेरियम का होता है 137। इसी टाइप ये सेकंड ट्राइड है डोबेराइनर का। और जो थर्ड है उसकी अगर बात करें अपन,
थर्ड की, तो थर्ड में इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैलोजन ग्रुप के मेंबर हैं, इनका एटॉमिक वेट 35, 8080 and 127। ये तीन ट्राइड्स डोबेराइन ने बनाए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों ट्राइड्स का जो फर्स्ट मेंबर है और थर्ड मेंबर है, फर्स्ट मेंबर और थर्ड, इसका एवरेज मिडल मेंबर के एटॉमिक वेट का जो एवरेज है मिडल मेंबर के नियरली इक्वल होता है। तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन करने की ट्राई डोबेराइन ने किया और तीन जो है ट्राइड्स बनाए उन्होंने। इससे ज्यादा वो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए एलिमेंट्स का, क्योंकि वो बाकी के जो अदर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक वेट जो है एवरेज नहीं आ रहे थे, नियरली एवरेज नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने यहीं तक बना के छोड़ दिया। तो कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन हमारे कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। लेकिन ये जरूर है कि आगे जो साइंटिस्ट है उनको एक प्रेरणा मिली इस चीज से, तो उन्होंने कोशिश और की, नए आने वाले साइंटिस्टों ने कोशिश की, जिससे रिजल्ट आप देख सकते हैं आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसके हम बाद में बात करेंगे। तो अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स इसका यही कह सकते हैं कि उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हुए थे उन एलिमेंट्स में से वो केवल और केवल 9 एलिमेंट्स का ही क्लासिफिकेशन कर पाए, 3, 3 and 3, यानी कि 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर पाए, बाकी नहीं हो पाया, बाकी सेट नहीं हुई प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट इस ट्राइड्स में। ये डोबेराइनर का ड्रॉबैक्स है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।